Now, the big story in the national capital, courts are being lied to. Those arrested are being tortured. And there's not a shred of any proof of wrongdoing. That is what the Delhi chief minister said today, a day after being summoned by the CBI in the capital's liquor policy case, a day before he has to present himself for questioning. Now, launching a blistering attack on Prime Minister Modi and the BJP, the Delhi chief minister said that agencies like the CBI and the Enforcement Directorate are going to extraordinary lengths to target their fiercest political opponents. Arvind Kejriwal says the agencies claimed Manish Sisodia destroyed 14 phones, but many of those phones are actually being used by AAP workers. So, according to the Delhi chief minister, the agency lied to the court. He also claims that they have evidence that several people have been tortured in custody to give evidence against the Aam Aadmi Party. He added that no evidence has been found of the 100 crores allegedly used by AAP in the Goa elections. क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला, टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है, स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, स्वतंत्र है और अपना काम करेंगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। देखिए, ये सब तो आप जानते ही न है कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बात बहुत ठीक है ना, ये सब लोग पूरा अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किया है, कितना ज्यादा प्रगति है, सब कितनी इज्जत है उनको, आप बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोले, वो तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे, सब कुछ वो अलग चीज है, लेकिन बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे होने की संभावना है और एकजुट होकर के बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और वो देश के हित में है, देश को आगे और बढ़ाने के लिए सब कुछ। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई है तो वो आप ही हैं। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर आप कर रहे थे और आपने एक जीओएम का गठन किया, एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सिफारिश दे, इस जीओएम में एक्यूज नंबर वन कट्टर बेईमान, जिनको आप कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे वो थे, इनकी बेल नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई जरूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी, तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले एक साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ ये ईडी का उपयोग नहीं करते वहाँ 10th Schedule का उपयोग करते हैं, जहाँ 10th Schedule का उपयोग नहीं करते वहाँ सीबीआई का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करके फिर ईडी का उपयोग करते हैं, ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट करेंगे।